हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अलसमा नदा फ्रॉम डॉक्टर सदुल्ला खान जूनियर कॉलेज सोलापुर। इन दिस पार्ट थ्री ऑफ सॉलिड स्टेट वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर कॉन्सेप्ट्स। इफ यू हैव नॉट वॉच पार्ट वन एंड पार्ट टू, द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सी वॉट इज पैकिंग फ्रैक्शन फॉर टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। First of all, we will revise that cubic unit cell is the simplest of all the seven types. The unit cell with A is equal to B is equal to C, or alpha, beta and gamma is equal to 90. Means all the edges are equal and all the interfacial angles are 90 degree. So, first of all, the first type is simple cubic. Atoms or ions are present at the corners, as we have seen in earlier last video, like this. Then next, in actual practice, these spheres touch each other. Actually, ये जो spheres है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, like this. Hence, ये वाला जो है एज लेंथ और रेडियस ऑफ स्फीयर में रिलेशन होगा a इज इक्वल टू 2r, क्योंकि ये एज लेंथ है टोटल a और इसमें दो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक स्फीयर का रेडियस r और ये एक स्फीयर का रेडियस r, अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो टोटल एज लेंथ आपको मिलेगी a इज इक्वल टू 2r फॉर सिंपल क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट, रैंक, इट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर इन वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने स्फीयर्स प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे रैंक, और इट इज डिनोटेड बाय जेड। पूरे यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स और एटम्स और आयंस प्रेजेंट। स्फीयर्स मीन्स यहाँ पर एटम्स और आयंस प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में। तो जैसे कि हमको पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 स्फीयर होते हैं एट द 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स पर 8 स्फीयर होते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन होता है एक स्फीयर का 1/8 पार्ट। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है किस तरह से आता है ये 1/8 पार्ट। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे जेड को, तो 8 spheres at 8 corners, that is 8 into, और each corner का जो भी contribution होता है 1/8, यहाँ पर 8 get cancel और 1, आपको effectively there is only one sphere in one unit cell। ऐसे तो यहाँ पर 8 atoms और ions present at the corners, but हम collectively इन सबको calculate करेंगे तो एक एक sphere जो है, एक एक atom का क्या है 1/8 पार्ट है। सबको हम लोग अगर कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा 1 atom और आयन इन पर यूनिट सेल। देन वी आर गोइंग टू लर्न पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर इन अ यूनिट सेल। इट इज नथिंग बट द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स इन यूनिट सेल। मीन्स एक यूनिट सेल में स्फीयर्स ने कितनी जगह ली। रैंक में हम देख रहे हैं कि कितने स्फीयर्स प्रेजेंट है टोटली इफेक्टिवली, और यहाँ पर उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, कितनी जगह ली है। बेसिकली अगर आपकी मम्मी ने या अम्मी ने आपको एक बॉक्स दिया है मिठाई का और उसमें बोला है कि कुछ लड्डू दिए हैं और इसको प्रेस कर प्लेस करो, तो वो जो लड्डू वो जो बॉक्स की जगह को ऑक्यूपाई करेंगे उसको बोलेंगे हम पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ दैट बॉक्स। इसका जो फॉर्मूला है यह है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि हम यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन किसका देख रहे हैं, क्यूब का देख रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल का देख रहे हैं। सो हमको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, यहाँ पर लेंथ क्यूब होता है,
तो यहाँ पर एज लेंथ को हम कंसिडर कर रहे हैं ए क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमको पता है 4/3 πr³ होता है। देन इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर जेड है। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब यहाँ पर हमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब टोटल कितने वॉल्यूम्स है वो कंसिडर करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को, एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को जितने नंबर ऑफ स्फीयर प्रेजेंट है, मींस जितने नंबर ऑफ एटम्स और आयंस प्रेजेंट है उससे हमको कैलकुलेट करेंगे, तब जाके आपको मिलेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हमको यहाँ पर प्लेस करना है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमको पता है। हम ये वैल्यूज पुट अप करने के बाद आपको पैकिंग फ्रैक्शन का ये जो फॉर्मूला है ये मिलेगा, नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आ चुके हैं लास्ट प्रीवियस नीट और JEE की एग्जाम में। देन नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू सी द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूब। ये हमने देखा था क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन, अब इसमें हम देखने वाले हैं 1/1 हर एक सब टाइप के लिए। सबसे पहला है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूब, तो हमने देखा है कि z की वैल्यू हमने सिंपल क्यूब के लिए कैलकुलेट की तो 1 है। देन a की वैल्यू है 2r, जब हम ये वैल्यूज को पुट करते हैं ये फॉर्मूले में तो आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.52%, दैट इज 52%। सो 52% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स एंड रेस्ट स्पेस दैट इज 48% इज एम्प्टी। मीन्स ए, ये जो यूनिट सेल है सिंपल क्यूब में, इसमें 52% जगह ऑक्यूपाई करेंगे आपके एटम्स और आयंस, और इसका पैकिंग फ्रैक्शन होगा 52%, और जो 48% जो जगह बचेगी उसको हम एम्प्टी स्पेस को हम बोलेंगे वॉइड्स। ओके, ये वॉइड्स क्या है इसके बारे में हम डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जस्ट इन दिस वीडियो फोकस ऑन पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूब। नेक्स्ट, जैसे कि हमको पता है कि बॉडी सेंटर में क्या होते हैं, ऑल द स्फीयर्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड द बॉडी सेंटर, मीन्स एटम्स और आयंस जो है कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हो गए ही होंगे और साथ ही साथ बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कॉर्नर्स में और बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। द स्फीयर टच ईच अदर एट द बॉडी डायगोनल, तो यहाँ पर जो स्फीयर्स है ये बॉडी डायगोनल, ये जो है इस तरह से हम अगर डायगोनल खींचेंगे तो यहाँ पर ये जो स्फीयर्स है मीन्स ये वाला और ये वाला स्फीयर ये एक दूसरे को टच करेंगे, इसी तरह से अगर यहाँ से डायगोनल खींचेंगे तो ये वाला ये वाला ये वाला, और इसी तरह से यहाँ से पीछे वाले की तरफ खींचेंगे तो ये वाला और वो जो लास्ट जो हमको अभी दिख रहा नहीं है वहाँ पर जो एक एटम प्रेजेंट है उसके साथ, और इसी तरह से इस तरह से खींचेंगे तो कोई भी एक डायगोनल को आप डायगोनल खींचोगे तो वहाँ पर स्फीयर्स क्या होंगे, टच होंगे एट द बॉडी डायगोनल। अब यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो, आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन होगा। तो अभी हमने क्या किया है, ये वाले जो बॉडी डायगोनल खींचा है और हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको फेस, ये जो फेस पर एक डायगोनल खींचेंगे तो इस तरह से आपको एक ट्रायंगल मिला 90 डिग्री का। तो अब इस वाला जो बॉडी डायगोनल, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा कि बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू दिस एज लेंथ स्क्वायर, बॉडी डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू एज लेंथ स्क्वायर एंड दिस फेस डायगोनल स्क्वायर। अब हमको ये फेस डायगोनल की वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसिडर करो कि ये भी एक ये 90 डिग्री है, हमको पता ही है कि ऑल द एंगल्स इन द क्यूब क्यूबिक यूनिट सेल इज 90 डिग्री, तो
तो ये वाला एक ट्राइंगल बना हमारा। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दिस इज नथिंग बट ए और दिस इज नथिंग बट ए, ये वाली जो है एज लेंथ। तो एफ हमको क्या मिलेगा, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज टू ए स्क्वायर। वही तो हमने यहाँ पर लिखा है टू ए स्क्वायर फेस डायगोनल का जो वैल्यू है, और यहाँ पर ए स्क्वायर तो हमको पता है। तो बॉडी डायगोनल इस तरह से हम जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 3a² जब हम इनका रूट निकालते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर BD, ये जो स्क्वायर को हम ये करते हैं तो BD इज इक्वल टू 3 रूट 3a मिलेगा। और अभी हमको पता है यहाँ पर इज इक्वल टू 4r। अब ये 4r कहाँ से आया, तो यहाँ पर हमको पता है कि ये जो स्फीयर्स है ये टच किधर करते हैं, बॉडी डायगोनल पर। तो यहाँ पर देखो कितने स्फीयर टच करेंगे, ये वाला एक स्फीयर कॉर्नर का, ये वाला एक कॉर्नर का और ये वाला एक सेंटर का। तो यहाँ पर इसका एक रेडियस है हाफ आर, और ये वाला जो है इसका यहाँ एक आर, यहाँ पर एक आर, और ये वाले रेडियस का ये आर, इस तरह से 4r। तो हमको जो रिलेशन मिला a और r में दैट इज 3a इज इक्वल टू 4r। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा r इज इक्वल टू रूट 3a डिवाइडेड बाय 4, और a की वैल्यू मिलेगी आपको जस्ट इसको हम रीअरेंज करने के बाद हमको a की वैल्यू क्या मिलेगी, a इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाय रूट 3। देन नेक्स्ट हम इस यहाँ पर हमको इसके लिए रैंक की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने बोला कि यहाँ पर का 8 स्फीयर प्रेजेंट एट द कॉर्नर है, उसका है 8, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 1/8 पार्ट, कॉर्नर के एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 पार्ट, और एक स्फीयर एट द बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है, और उसका कंट्रीब्यूशन कैसा होता है, 1 मींस पूरा होल जो स्फीयर है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। सो इफेक्टिवली इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 स्फीयर्स इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में टोटली 2 स्फीयर मींस 2 एटम और आयन प्रेजेंट होंगे। सो इसका पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमको पता है, क्यूब के लिए, ये वाले क्यूब के लिए पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमको पता है। जस्ट हमको वैल्यूज पुट अप करना है जेड और ए की, फॉर जैसे हमने वहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड और ए की वैल्यू पुट अप की थी, इसी तरह से यहाँ पर हमने बॉडी सेंटर के लिए जेड और ए की वैल्यू को ड्राइव किया है। अब इसको हम पुट अप करेंगे ये वाले फॉर्मूले में, तो आपको इस तरह से मिलेगा जेड इंटू 4/3 डिवाइड, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा जेड की वैल्यू 2 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4r डिवाइडेड बाय रूट 3 क्यूब। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा पाई रूट 3 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 0.68। 68% पैकिंग फ्रैक्शन है बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए। सो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्पेयर इन द रेस and the rest space is 32% empty। 68% space क्या होगी,
ऑक्यूपाइड होगी स्फीयर से, मीन्स एटम्स और आयन से ऑक्यूपाइड होगी, और 32% कैसी होगी, एम्प्टी स्पेस होगी, और वो एम्प्टी स्पेस को वॉइड्स हम बोलेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है क्यूब का, दैट इज स्पेस सेंटर क्यूब। यहाँ पर हमको पता है कि स्फीयर्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स प्लस ईच फेस के ऊपर एक एटम, सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कॉर्नर्स पर एट स्फीयर प्रेजेंट है और हर एक फेस पर एक एक स्फीयर प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, द स्फीयर टच ईच अदर एट द फेस डायगोनल। जैसे हमने वहाँ पर देखा कि स्फीयर्स कहाँ पर टच कर रहे थे, बॉडी डायगोनल पर, बट यहाँ पर स्फीयर का टच करेंगे, यहाँ पर स्फीयर्स टच करेंगे बॉडी डायगोनल पर। इस तरह से देखो आप डायगोनल खींचो तो यहाँ पर स्फीयर टच कर रहे हैं, या कोई भी एक फेस पर लो किसी तरह से भी आप डायगोनल इस तरह से खींचो या फिर इस तरह से खींचो, मीन्स स्फीयर्स क्या करेंगे, डायगोनल पर टच करेंगे। समझो ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने यहाँ पर ऊपर से देख रही हूँ तो मुझे इस तरह का इमेज देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर फेस डायगोनल इट इज नथिंग बट क्या है, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए प्लस ए इज इक्वल टू 2a। अब ये किस तरह से आया, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये भी एक किस एक तरह का राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये वाले जो है ये और ये है नथिंग बट एज लेंथ ऑफ दैट क्यूब, दैट इज ए ए। तो यहाँ पर फेस डायगोनल, दिस फेस डायगोनल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको ये जो फेस डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज टू ए स्क्वायर। यहाँ पर जस्ट स्क्वायर का ये निकाला है, इसका रूट लिया है तो यहाँ पर मिलेगा फेस डायगोनल इज इक्वल टू ए प्लस ए दैट इज टू ए। तो यहाँ पर सो हमने इसका रूट लिया तब हमको मिला कि फेस डायगोनल इज इक्वल टू रूट टू ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फेस डायगोनल इट इज नथिंग बट फोर आर। किस तरह से, तो यहाँ पर तीन स्फीयर्स है ये एक दूसरे को यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका हाफ रेडियस, इसका हाफ रेडियस और इसका टू आर टोटल, तो इस तरह से मिलाकर 4R मिला, और इस दिस इज द रिलेशन बिटवीन R एंड A, R इज इक्वल टू रूट टू बाय 4 इज इक्वल टू A, तो A की वैल्यू हो गई 4R डिवाइडेड बाय रूट टू। देन नेक्स्ट रैंक हमको कैलकुलेट करना है इसके लिए बॉडी से फेस सेंटर के लिए, तो जैसे आपको पता है बॉडी सेंटर में किस तरह से स्फीयर्स कहाँ पर कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं और फेस पर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर देखो 8 कॉर्नर्स है, हम वहाँ पर 8 स्फीयर्स प्रेजेंट हैं और उसका कंट्रीब्यूशन है 1/8 प्लस 6 फेसेस प्रेजेंट होते हैं क्यूब को और उनका कंट्रीब्यूशन होता है ईच फेस पर स्फीयर और एटम और आयन का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेंगे 4। टोटली देर आर 4 स्फीयर्स इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में 4 स्फीयर्स आर प्रेजेंट। और अब हमारे पास में पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है यूनिट क्यूबिक सेल के लिए, तो जस्ट हमको यहाँ पर पुट करना है वैल्यूज
फेस सेंटर के लिए जो हमने ड्राइव किया है, जेड इज इक्वल टू 4 एंड ए इज इक्वल टू 4r बाय रूट 2। जब ये हम कैलकुलेट करेंगे तब आपको इस तरह से वैल्यूज मिलेगी पैकिंग फ्रैक्शन की, दैट इज पाई रूट 2 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 0.74 इसका पैकिंग फ्रैक्शन होगा और 74% स्पेस ऑक्यूपाई होगी स्फीयर से, और जो रेस्ट स्पेस जो है 28% EMT, इसको हम वॉइड्स बोलेंगे। जस्ट समरी देखेंगे हम यहाँ पर, ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये सिंपल क्यूब के लिए हमने देखा रिलेशन क्या था, 2r इज इक्वल टू a, क्योंकि यहाँ पर दो जो ये एटम्स ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, टच कर रहे थे, और इस तरह से हमको मिला। और नेक्स्ट रैंक की वैल्यू जो थी z की 1 थी, इसका पैकिंग फ्रैक्शन 52% था, और वॉइड्स एम्प्टी स्पेस कितनी है 48%। देन नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए हमने कैलकुलेशन किया तो 4r इज इक्वल टू a रूट 3, और रैंक की वैल्यू आई थी 2, और पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 डेट इज 68%, और वॉइड्स थे 32%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेबल पूरा नोट डाउन कर लो आप। फेस सेंटर्ड क्यूब के लिए आर की वैल्यू है ए रूट 2, 4r इज इक्वल टू ए रूट 2, और रैंक की वैल्यू है 4, और इसका पैकिंग फ्रैक्शन है √2π/6, और इसका जो दैट इज 74%, और इसका वॉइड्स है 68%। सो मोस्ट इफिशियंट पैकिंग टेक्स प्लेस इन FCC, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जगह पूरी क्या हो रही है, ऑक्यूपाई हो रही है FCC में। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैकिंग फ्रैक्शन। वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज 3-dimensional पैकिंग, 1-dimensional, 2-dimensional, 3-dimensional पैकिंग फ्रैक्शन, एंड अबाउट द वॉइड्स, टाइप्स ऑफ वॉइड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।